बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बेकरी स्टाइल में क्रीम केक की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे बनाना बहुत ही इजी है, कुछ लोग इसे बहुत ही समझते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल है, तो ये घर पे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ओवन में भी और बग़ैर ओवन में भी। मैं दोनों आपको तरीके बताऊँगी किस तरह से आप घर पर बआसानी बना सकते हैं, तो मेरी वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। कुछ इसमें स्टेप्स हैं, मैं इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको बताऊँगी और उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तो आपकी जो केक है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में, और वैसा ही टेस्ट आएगा आपके केक का। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिया गया लाल बटन उसको प्रेस कर दें, और बेल आइकन जो साथ में दिया हुआ है उसे भी प्रेस करना मत भूलें, ताकि हर मेरी आने वाली नई रेसिपी आप देख सकें। सबसे पहले हम केक का जो बैटर है हम वो तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमें 3 अंडे चाहिए। एक बॉल में हम 3 अंडे तोड़ के डाल देंगे। केक का जो बैटर है बहुत ही आसान है बनाना, बिल्कुल भी इतना मुश्किल नहीं है इसे बनाना। चलिए बस, इसके बाद अब हम इन 3 अंडों को हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर मशीन नहीं है तो आप सिंपल विस्क की मदद से आप इसे अच्छी तरह से बीट कर लीजिएगा। ये देखिए, अंडों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से बीट कर लिया है विस्क की मदद से। अब हम इसमें तकरीबन 1/2 कप शुगर डाल देंगे, पिसी हुई चीनी डालिएगा, मोटी चीनी बिल्कुल भी नहीं हम इसमें डालेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा जो केक का जो बेस है, स्पंज है, बहुत ही अजीब सा बनेगा। हम थोड़ी थोड़ी करके तकरीबन 2 टेबल स्पून चीनी हम शामिल करते जाएंगे और साथ में मिक्स करते जाएंगे दोबारा बीटर की मदद से। अंडों को और आइसिंग शुगर को हमने अच्छी से बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बीट कर लिया। अब इसमें हम तकरीबन 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और दोबारा से हम बैटर को बीट कर लेंगे बस 2 से 3 सेकंड के लिए। अब इसके बाद तकरीबन 1 कप के करीब मैं इसमें मैदा डाल दूंगी, यानी ऑल पर्पज फ्लावर डालेंगे इसमें, और वो भी इसी तरह जैसे हमने आइसिंग शुगर हम इसमें ऐड कर रहे थे थोड़ी थोड़ा करके, इसी तरह हम मैदा भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करते जाएंगे और बीट करते जाएंगे। 1 कप मैदे में मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर का शामिल किया था और 1 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा शामिल किया था, और इन चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मैदे के अंदर डालने के बाद छान लिया था। और अब हम इसमें बैटर में डालते जाएंगे और साथ से बीट करते जाएंगे। चलिए, इसके बाद तकरीबन 1/2 टीस्पून मैं इसमें वनीला एसेंस का शामिल कर रही हूँ, और इसे मिक्स कर दीजिएगा इसमें अच्छी तरह से। और इसके बाद तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं इसमें दूध शामिल करूंगी और अच्छी तरह से दोबारा हम इसे बीट कर लेंगे। दूध से क्या होगा, जो हमारा जो केक है बहुत ही मॉइस्ट बनेगा, यानी बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तकरीबन 2 टेबल स्पून हम मिल्क शामिल करेंगे और अच्छे से हम इसे बीट करेंगे दोबारा से। ये देखें जी, केक का जो बैटर है वो हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फ्लफी तैयार हो चुका है। इसके बाद ये देखिए, मैंने केक बनाने के लिए एक मोल्ड ली है और मैंने बाहर से इसे एल्युमिनियम फॉइल से मैंने अच्छे से कवर कर दिया था, ताकि जो केक है हमारा जले नहीं, और अंदर से मैंने सारा इसको बटर पेपर से कवर कर दिया है और इसे कुकिंग ऑयल से मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। इसके बाद जो हमारा बैटर है हम इसमें डाल देंगे।
इसके बाद हम इस तरह से हल्के हाथों से टैप करेंगे ताकि इसमें से एयर रिमूव हो जाए। अब मैं इसे ओवन में बेक करने के लिए रखूँगी। अगर आपके घर में ओवन नहीं है तो अगर आप पतीले में बेक करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है, मैं ऑलरेडी पहले मैं एक वीडियो में मैं सिखा चुकी हूँ। अगर आप पतीले में बेकिंग करना चाहते हैं तो वो उसके जो स्टेप्स हैं वो ये हैं। बाद हम क्या करेंगे, एक पतीले को अच्छे से हम गर्म कर लेंगे। तकरीबन एक घंटा पहले हम इसे गर्म कर लेंगे ऊपर से कवर करके। उसके बाद इस तरह अगर आपके पास कोई ग्रिल है तो आप इसे ग्रिल को इस तरह से अंदर रख दें, या कोई अगर ग्रिल नहीं है तो आप नॉर्मली जो घर में स्टील की प्लेट होती है वो उल्टा दें और उसके ऊपर एक एक करके हम कप रख देंगे। और ऊपर से हम इसे कवर कर देंगे। तकरीबन एक घंटा हम केक को बेक होने देंगे। और अगर इसके अलावा आप ओवन में बेक करना चाहते हैं तो मैंने ओवन को तकरीबन 180 डिग्री पे आधा घंटा पहले मैंने प्री हीट कर लिया था और अब मैं इसे 180 डिग्री पे मैं इसे आधा घंटा और मैं इसे बेक करने के लिए रखूंगी। पहले मैंने प्री हीट किया था और अब मैं इसे बेक करने रखूंगी तकरीबन हाफ एन आवर के लिए 180 डिग्री पे। ये देखिए अभी तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और केक देखिए बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। हम इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए केक हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसे मोल्ड से बाहर निकाल देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो स्पंज है केक की इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम केक के आइसिंग के लिए क्रीम तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, मैं क्रीम ले रही हूँ तकरीबन 200 ml, एक पैकेट ले लें क्रीम का। किसी भी ब्रांड की आप क्रीम यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो व्हिप्ड क्रीम मार्केट में मिल जाती है इजीली, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम अच्छी तरह से हम बीटर की मदद से हम अच्छे से बीट कर लेंगे। ये देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने क्रीम को बीट किया है। अब इसके बाद हम तकरीबन 2 ड्रॉप्स जो हैं वनीला एसेंस के हम शामिल कर देंगे और इसमें हम 1/2 कप जो है हम आइसिंग शुगर शामिल करेंगे और वो थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें शामिल करेंगे और साथ साथ बीट करते जाएंगे। ये देखें जी क्रीम जो है हमारी बहुत ही अच्छे से व्हिप्ड हो चुकी है। और ये देखिए मैंने तकरीबन 1/2 कप आइसिंग शुगर ली थी, इसमें से भी 1/2 जो है वो बच चुकी है। आपने क्रीम बनाते हुए साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके शुगर को ऐड करना और साथ साथ टेस्ट करते रहना, ऐसा ना हो इसमें शुगर ज़्यादा हो जाए और वो टेस्ट में बहुत ही बुरी लगेगी। तो देखें ये हमारी व्हिप्ड क्रीम तैयार हो चुकी है। चलें इसके बाद मैंने माइक्रोवेव की जो सिंपल जो प्लेट होती है मैंने वो ली है। अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप सिंपल प्लेट पे भी केक को बना सकते हैं, उसकी आइसिंग कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ऐसा एक बोर्ड ले लिया है और इसके बाद हम इसके ऊपर जो हमने क्रीम हमने बनाई थी वो हम थोड़ी सी अप्लाई कर देंगे ताकि सेंटर से जो है केक जो है इस पे अच्छे से चिपक जाए। और जो हमने लेयर्स काटी थी केक की वो हम इस पे रखते जाएंगे। इसके बाद पहली लेयर को हम सिंपल, ये मैंने दूध लिया है और इसे ब्रश की मदद से हम इसे सोक कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा केक है बहुत ही मॉइस्ट बनेगा, यानी बहुत ही सॉफ्ट होगा। इसके बाद हम इस पे क्रीम लगा देंगे।
अब हम ऊपर से सेकेंड लेयर लगा देंगे और इसे भी हम सेम वैसे ही ब्रश की मदद से हम अच्छे से हम इसे सोप करेंगे। चलें इसके बाद हम दोबारा से इसके ऊपर क्रीम लगा देंगे सेकेंड लेयर पे। चलिए इसके बाद जो हमारे पास लास्ट जो स्पंज की जो लेयर बची है अब हम वो इस पे लगाएंगे और सेम वैसे ही उसी स्टेप के मुताबिक हम दोबारा से इस पे हम ब्रश की मदद से हम मिल्क लगा लेंगे। केक की सारी लेयरिंग्स हो चुकी हैं, अब हम इसके बाद ऊपर जो क्रीम बची है हम सारी इसके ऊपर से लगा देंगे। इसके बाद हम साइड्स को नीट करने के लिए इस तरह का कोई एक हार्ड बोर्ड लेंगे, यानी कोई गत्ता ले लें इस तरह से और इस तरह से हम लगाकर घुमाते जाएंगे जो साइड्स हैं, जो एक्स्ट्रा की जो क्रीम है वो साइड पे आ जाएगी और साइड्स हमारी नीट हो जाएंगी। ये देखें जी केक हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसके ऊपर से डिज़ाइन कोई भी नोज़ल की मदद से हम कोई भी डिज़ाइन देना चाहते हैं तो वो हम डिज़ाइन दे लेंगे। अब इसके ऊपर से हम ग्राइंड की हुई चॉकलेट जो है वो हम ऊपर से डाल देंगे। क्रीम केक तैयार हो चुका है, आप इसे ठंडा करके सर्व करें, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। और अगर आप इसको चॉकलेट स्किप करना चाहते हैं जो मैंने ऊपर से ग्रेट करके डाली थी तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये केक की रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई से नई वीडियो देखने को मिले और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।